हेलो फ्रेंड्स, शॉर्टकट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेनो की वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है एसएससी। एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर साल स्टेनो की वैकेंसी निकालता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी लगभग हर साल वैकेंसी आती रहती है, क्योंकि हाई कोर्ट भी हर स्टेट में होता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, और गुजरात हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट है, और इसी तरह हर हाई कोर्ट में एक स्टेनो की जरूरत होती है। इसलिए हाई कोर्ट भी अपने स्टेनो के लिए वैकेंसी निकालता रहता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें भी हाई कोर्ट की वैकेंसी आती रहती है, और इसमें लगभग पीए और पीएस दोनों की पोस्ट के लिए स्टेनो की जरूरत होती है। इसी तरह दूसरे भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जैसे आईबी। आईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उसके लिए अपन को रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। एसएससी भी है, पर आईबी में दूसरे तीन स्टेप और होते हैं। उसी तरह एम्स भी है, एम्स में भी स्टेनो की जरूरत होती है, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे सीबीडीटी और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम स्टेनो का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, जो कि है द कॉन्सोनेंट्स। इसके अंदर जैसे हम इंग्लिश में इंग्लिश को सीखने के लिए उसकी एबीसीडी सीखते हैं, उसी तरह स्टेनो को सीखने के लिए उसकी एबीसीडी सीखनी पड़ती है। वो इस प्रकार है, पी और बी इसका पहला स्ट्रोक है। पी और बी इस तरह से बनेंगे, पी लाइट होगा, थोड़ा तिरछा डाउनवर्ड वर्ड है ये पी, ये पी, ये बी, ये लाइट होगा, पी डार्क होगा, पी ये बी, पी और बी। इसी तरह से टी और डी, टी और डी बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, टी और डी, टी और डी ये लाइन पर ही बनेंगे, टी और डी, टी डी। इसको सी एच को सी एच नहीं पढ़ना है, ये होगा छे, और जे को पढ़ना है उल्टा जे। ये दोनों पी के जस्ट अपोजिट होंगे, पी इस तरह से बनता है तो छे इस तरह से बनेगा, छे और ये जी। इसी तरह ये भी लाइट होगा, आगे वाले सारे स्ट्रोक ये लाइट होंगे, छे जे, छे और ये जी। उसी तरह से के और गे, के और गे बिल्कुल लाइन पर बनेंगे, के गे, के लाइट होगा, गे डार्क होगा, के लाइट होगा, गे डार्क होगा। उसी तरह से एफ और वी, ये एफ, ये वी, एफ लाइट, वी डार्क, एफ वी, एफ वी। उसी तरह से इत और दी, ये दिखने में दोनों सेम है, पर इन दोनों का साउंड अलग अलग है। ये इत होता है थिंक वाला, थिंक में जो दी काम करता है वो, और ये होता द जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं। ये दोनों ब्रैकेट की तरह होंगे, इत दी, इत लाइट, डी डार्क, इत दी, इत दी। उसी तरह से एस जेड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, एस जेड, एस जेड, एस जेड, एस जेड को इसकी तरह से नहीं पढ़ना है, ओनली एस और जेड ही पढ़ना है, एस जेड, एस लाइट, जेड डार्क, एस जेड। ऐसे ही इस जी, इसको पढ़ना है इस, इसको पढ़ना है जी। ये बिल्कुल एफ और वी के विपरीत होंगे, एस जी, इस जी, इस जी। ऐसे ही एम, ये भी लाइट होगा, ये ऑन द लाइन होगा, एम एम एस होगा। ऐसे ही एन, एन एम के जस्ट उल्टा होगा, एन लाइट होगा, ये इंग, इंग और एन में बस यही फर्क है, एन लाइट होगा, इंग डार्क होगा। इसको एक बार में ही बनाना है, इसी तरह से एल, एल अपवर्ड है इसलिए एल ऐसे बनेगा, नीचे से ऊपर। उसी तरह से आर, आर को दो तरह से बनाया जाता है, डाउन और अप। डाउन आर बिल्कुल एल के विपरीत हो गया, जैसे एल में ऐसे ऊपर जाते हैं, आर में वैसे ऊपर से नीचे आना है। ये पीछे वाले बाकी सारे स्ट्रोक ये लाइट ही बनेंगे। आर अप, अपवर्ड है इसलिए इसको ऐसे बनाना है, छे को ऊपर से नीचे लाया जाता है और आर को नीचे से ऊपर ले जाना है।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसी तरह से वे वे को ऊपर ले जाना है, पर वे को हुक बनाना है आगे इस तरह से वे। इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, इसको वे पढ़ना है। उसी तरह से वाई को ये पढ़ना है, वाई के लिए हुक पीछे बनेगा और हे दो तरह से बनते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पहले देखते हैं डाउनवर्ड, ये हे डाउनवर्ड, दूसरा देखते हैं अपवर्ड। ये सारे स्टेनो के फर्स्ट चैप्टर उसके कॉन्सोनेंट हैं, ए बी सी डी है। ये बेसिक मजबूत होना ज़रूरी, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो तक इसकी तैयारी करें।